आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्य तेल उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिशों का असर दिखना शुरू हो गया है। बहुत जल्द खाद्य तेलों के दाम में तेजी से गिरावट आ सकती है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 31 अगस्त तक सभी पाम तेल उत्पाद पर से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। भारत करीब 60% पाम तेल का आयात इंडोनेशिया से करता है। इंडोनेशिया के इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों के दाम में गिरावट शुरू हो गई है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल निर्यात करने वाला देश है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि खुदरा बाजार में इस फैसले का असर जल्द दिख सकता है, जबकि थोक भाव में गिरावट शुरू हो चुकी है। थोक बाजार में सरसों की कीमत में 2 से 2.5 रुपए प्रति लीटर तक की कमी सरसों तेल के दाम में देखी गई है। मैं बता दें, उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में इंडोनेशिया ने अपने देश में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए पाम तेल के निर्यात को रोकने का फैसला किया था। इसके बाद रातों रात दुनिया भर के बाजारों में खाद्य तेल के भाव में तेज उछाल देखा गया था। इसके मद्देनजर भारत में सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आयात शुल्क में कटौती करने समेत कई तरह की रियायतें देने दी थी, जिससे खाद्य तेल सस्ता हो सके। कारोबारियों का कहना है कि नई फसल बाजार में आने, सरकार की खाद्य तेल सस्ता करने की चौतरफा कोशिशों के बीच इंडोनेशिया के ताजा फैसलों के बाद आने वाले समय में खाद्य तेल के दाम घटकर 125 रुपए प्रति लीटर तक आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।